హలో రివన్ హలో

Good evening, everyone. Good evening. <laughs> yes, all clear? Great. मैं एक्चुअली uh, कोई बात कर रहा था तो बस कोई बात कर रहा था और जिसके कारण मुझे लगा <laughs> बस क्या बोलना है अब आपको ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं चलिए जी यस ओके हाँ करें स्टार्ट अब हम चलिए जी बहुत बढ़िया गुड इवनिंग टू ऑल गुड इवनिंग टू ऑल चलिए जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए जी सो so स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को आज इस सेशन के अंतर्गत हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लानिंग कमीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे फाइव ईयर प्लान्स के कॉन्सेप्ट फाइव ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट होता क्या है क्या चीजें इसके अंतर्गत आती हैं ये सब कुछ जो है हम आज डिस्कस करेंगे पॉइंट समझ आया आप लोगों को और एक सेकेंड हाँ प्लानिंग कमीशन को डिस्कस करने जा रहे हैं हम आज ठीक है चलिए सो so, प्लानिंग कमीशन को डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चंस भी बीच में डिस्कस करेंगे लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंतर्गत मैं आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जहां पे आपको मेन फोकस रखना है क्योंकि वहां पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता ही पूछता है तो थोड़ा सा उस चीज के ऊपर ध्यान ज्यादा रखना जहां पे मैं कहूंगा कि हाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर देखिए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वैसे तो आपको एक चीज बताओ कि प्लानिंग वट इज प्लानिंग प्लानिंग होती क्या है कोई भी आप काम करते हैं ठीक है चाहे आप घर की बात कर लो आप अपने काम की बात कर लो बिजनेस की बात कर लो आप एग्जाम दे रहे हैं ठीक है तो हर चीज के लिए आपको प्लानिंग की जरूरत होती है तो ऐसे ही हमारे देश को चलाने के लिए एक सबसे पहले जो कमीशन बना था एंड प्लानिंग कि कुछ प्लान तो क्रिएट करें कुछ प्लान तो बनाए हम लोग ठीक है तो कुछ प्लान हम बनाए ताकि हम उन प्लान्स के अकॉर्डिंग चलें और हमारे देश में हम ग्रोथ लेके आए और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव थे जब हमने प्लानिंग कमीशन बनाया था चाहे हम बात करें हमारे ग्रोथ की अगर हम बात करें डेवलपमेंट की अगर हम बात करें और रीजनल जो इनक्वलिटीज़ थी अमीर गरीब छोटा आ, मतलब अमीर गरीब और छोटी स्टेट बड़ी स्टेट में कोई डिफरेंसेस आते थे इन चीज़ों को सॉल्व करवाने के लिए सारा चीज़ें आपकी प्लानिंग कमीशन में देखने को मिलती थी मतलब प्लानिंग कमीशन इन चीज़ों को ख़त्म करता था सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें ग्रोथ की अगर हम बात करें और मैं बताऊंगा आपको ठीक है जस्ट एक तो मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको कि हाँ इन चीजों को ध्यान में रखे रखते हुए आपका प्लानिंग कमीशन बना था पॉइंट समझ आया आप लोगों को और स्टार्ट करते हैं आज इस पर्टिकुलर लेक्चर को इसी आगे बढ़ाते हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं कि आज जिस तरीके से हम प्लानिंग कमीशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे ऐसे ही मेरा एक पेड कोर्स है डेट जनरल अवेयरनेस सिलेक्शन बैच जीए लाइव बैच है हमारा जो कि हमारा सिलेक्शन बैच है और इस बैच में हमेशा हम हम जो है सिलेक्शन लेके आएंगे हंड्रेड परसेंट लेके आएंगे और ये पहला लाइव बैच जो है मैं लॉन्च कर रहा हूं तो आज की क्लास अगर आप लोग कहते हैं कि इस बैच में हम पढ़ाएंगे कैसे पढ़ेंगे कैसे तो आज की क्लास आपको एज ए डेमो देख लेनी है क्योंकि मैं हर दिन कुछ ना कुछ नया डिस्कस करता हूं तो आपको पता लगता रहेगा कि हाँ हम इस बैच के अंतर्गत क्या क्या चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं ठीक है और इस बैच के अंतर्गत मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी आपकी प्रॉपर तरीके से दो घंटे क्लास होगी और आधा घंटा डिस्कशन जो भी आपके डाउट्स होंगे यानी कि ढाई घंटे रोज क्लास होगी इसमें और सैटरडे को आपका डाउट सेशन होगा संडे को वीकली टेस्ट होगा और बहुत सारी चीजें और भी इंक्लूडेड हैं एनसीईआरटी की चीजें इंक्लूडेड हैं बेसिक जो आपकी बुक्स होती हैं उनकी चीजें इंक्लूडेड हैं स्टैटिक पार्ट के ऊपर मैंने बहुत ज्यादा फोकस किया है प्लस कॉन्सेप्चुअल चीजों के ऊपर भी मैंने बहुत ज्यादा मैं फोकस करूंगा इस पर्टिकुलर जो है कोर्स के अंतर्गत और ये कोर्स जो है आप कहां से ले सकते हैं ये ले सकते हैं आप लोग स्टडी आई क्यू ऐप और हमारी वेबसाइट के ऊपर जैसे आप स्टडी आई क्यू की ऐप आप डाउनलोड करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर यहां पे नजर आएगा होम पेज यहाँ पे दिखेगा सर्च बार सर्च बार में डाल देना लाइव जैसे आपने लाइव डालेंगे तो आपको ये वाला कोर्स नजर आ जाएगा लाइव जनरल अवेयरनेस का कोर्स तो आप परचेज कर सकते हैं अदरवाइज यहां पे आपको स्क्रीन के ऊपर जस्ट लॉन्च का बटन होगा इसको क्लिक करना व्यू ऑल करना तो भी आपको ये कोर्स नजर आ जाएगा इसमें आप अपने एडमिशन ले सकते हैं प्लस अगर आपने एमसीक्यू की फॉर्म में पढ़ना है तो आप टेन थाउजेंड एमसीक्यू कोर्स परचेज कर सकते हैं यहां पे सर्च बार में डाल देना टेन थाउजेंड और ये बेस्ट सेलिंग कोर्स और जस्ट लॉन्च के बटन में भी आपको नजर आ जाएगा बाकी सारे अपडेट्स वगैरह जो होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको मिलते चले जाएंगे डॉक्टर विपिन गोयल के टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं कोई डाउट हो पूछ सकते हैं कोई एग्जाम हो पेपर हो आपका आप मुझे ईमेल कर सकते हैं नाउ द पार्ट नाउ द जो है हमारी so, अब हमारी चीजें सो अब चीजें हैं जो है डेट इज द आपका इकोनॉमिक प्लानिंग मैंने आपको जैसे समझाया था मैंने जैसे आपको समझाया था कि प्लानिंग हम क्यों करते हैं किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हमारे देश में जब भी प्लानिंग की बात आई तो प्लानिंग कमीशन ने क्या ऑब्जेक्टिव रखे हमारे दिमाग के अंतर्गत उसके दिमाग के अंतर्गत दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब आप एक चीज बताइए आर्थिक विकास इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि जो चीजें आज आपके पास हैं वो आप तो यूज कर ही रहे हैं प्लस उसके अंदर टाइम टू टाइम जो है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे हो रही है वो सब चीजें और प्लस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो रही है प्लस आपकी जो इनकम है वो कैसे बढ़ रही है मतलब प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम आपकी जो बढ़ रही है तो वो भी क्या है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पता आप लोग कैसे कर सकते हैं बाय द पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय अब पर कैपिटल इनकम कैसे निकलेगी हमारी दैट इज नेशनल इनकम जाने के जो हमारी राष्ट्रीय आय है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन सो इट मींस अगर आपसे पेपर में पूछता है एग्जामिनर इसी से ही क्वेश्चन आ जाएगा कि विच इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आपका आंसर क्या बनेगा दैट इज इकोनॉम जो सॉरी बेस्ट इंडिकेटर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज पर कैपिटल इनकम सो इट मीन प्लानिंग कमीशन का जो उद्देश्य था वो यही था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है आर्थिक विकास करना है आर्थिक वृद्धि करनी है आप लोगों को तो ये मेन फोकस था आपके प्लानिंग कमीशन का नंबर इन्होंने इंप्लॉयमेंट बढ़ानी है अब आप एक चीज बताओ इंप्लॉयमेंट कैसे बढ़ेगी अब प्लानिंग कमीशन इंप्लॉयमेंट कैसे बढ़ाएगा प्लानिंग कमीशन इन एरिया के ऊपर फोकस करेगा जहां पर हमें लेबर क्लास की जरूरत पड़ेगी चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो स्कूल हो आपके जो है स्कूल्स हो आपके कॉलेजेस हो आपके लेबर की जरूरत पड़ेगी तो बात है, यह बात कर रहा है कि यहां पे पैसे हमें लगाने हैं मैं आपको सारी चीज बताऊंगा मैं आपको सारी चीज बताऊंगा इन शॉर्ट में कहानी में लेकिन अभी एक पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट आप समझते चले जाए क्योंकि पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वट आर दबजेक्टिव ऑफ द प्लानिंग कमीशन वट आर द मतलब वो क्या सोचते थे प्लानिंग कमीशन वाले सोचते क्या थे वो अलग बात है आजकल नीति आयोग है नीति आयोग को हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे लेकिन उससे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लानिंग कमीशन और फाइव ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट उसमें थोड़ा सा दायरा बना के आप रखें ताकि आपको चीजें समझ आए और दूसरा सेल्फ सफिशियंसी क्लियर सेल्फ सफिशियंसी का मतलब क्या है सेल्फ सफिशियंट होना है मतलब कहने का मतलब यह है कि अगेन आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना आज जो हम चीजें बना रहे हैं इतनी चीजें हम बना देंगे कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे हम सेल्फ सफिशियंट रहेंगे क्लियर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होगा वट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की हां आप लोग जो ग्रोथ कर रहे हैं वो तो करते ही चले जाओ ग्रोथ तो करते चले जाओ साथ के साथ आपको ग्रोथ में ऐसे लेके चलना है कि कुछ ना कुछ चीज बचा के चलनी है जैसे अगर मैं बात करता हूं कि आपने आपको पर्टिकुलर सैलरी एक्स सैलरी है आपकी ठीक है तो आप उसमें क्या करते हैं चलो ये घर का खर्चा ये कुछ हम जो है हमने कोई पॉलिसीज ले रखी हैं इंश्योरेंस ले रखी है उसका खर्चा लेकिन इतना सा कुछ हम पैसे बचा के चलेंगे अपने बच्चों के लिए जैसे आपके माता पिता ने मेरे माता पिता ने कुछ ना कुछ बचा के लेके चले थे हमें पढ़ाने के लिए और अभी भी रखते हैं वो क्यों रखते हैं ताकि स्टेबल रहे कि कल को कोई दिक्कत ना आ जाए हमें तो ये आपके प्लानिंग कमीशन का ऑब्जेक्टिव था और है मतलब कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपको बना के रखनी है क्लियर और प्लस आपके जो है वेलफेयर करना मतलब बात है कि ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करेगा जहां पे लोगों का वेलफेयर हो सके अगेन वही सब चीजें सर्विसेज की बात कर लो आप चाहे डेवलपमेंट uh, की बात कर लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लो किसी भी हर तरीके से लोगों का विकास करना लोगों के बारे में सोचना क्लियर और प्लस आपकी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना अब ये सोशल सर्विसेज कुछ भी हो सकती हैं जैसे कि कोई भी स्कीम अगर आपको चलती है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से छूट मिलती है सब्सिडीज मिलती हैं प्लानिंग कमीशन उद्देश्य बना के उसको चलता है और आगे वो चीजें इंप्लीमेंट होती हैं तो ये सारे ऑब्जेक्टिव किसके हैं आपके दैट इज द प्लानिंग कमीशन के ऑब्जेक्टिव हैं और ऐसे ही रीजनल डेवलपमेंट जब हमने पूरे कंट्री की डेवलपमेंट कर ली तो हमारे रीजनल डेवलपमेंट भी इसका एक पार्ट आएगा और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब सतत विकास सतत विकास मतलब जो आज हमारे पास प्रेजेंट है हमने उसको इस तरीके से यूज करना है ताकि हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी उसको यूज कर पाए सो दिस इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इससे हमने क्या करनी है इकोनॉमिक इनइलिटीजिए मैंने आपको जैसे बताया अमीर गरीब कोई छोटी स्टेट है बड़ी स्टेट है गरीब स्टेट है अमीर स्टेट है इन चीजों के ऊपर भी वो फोकस करता है अगर किसी जगह के ऊपर रिसोर्सिस नहीं है तो इनका मेन फोकस वो होगा कि उस जगह के ऊपर हम रिसोर्सिस लेके जाए पॉइंट समझ आया तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है सोशल जस्टिस एंड इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑब्वियसली बात है अब आप एक चीज बताओ आप ग्रोथ कर रहे हो स्टेबिलिटी कर रहे हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे तो ऑब्वियसली बात है ये सब चीजें तो आएंगी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका बढ़ेगा सोशल जस्टिस वगैरह आपकी सब कुछ दूर करी जाएगी सो दीज आर द क्लियर ये ऑब्जेक्टिव थे आपके प्लानिंग कमीशन के अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि हमारा प्लानिंग कमीशन जो है वो बना कैसे था अब चलते हैं अपने अपने स्टाइल में पढ़ने के लिए कि प्लानिंग कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव सॉरी प्लानिंग कमीशन जो है आपका वो बना कैसे था प्लानिंग कमीशन जिसे हम कहते हैं योजना आयोग कहा जाता है क्लियर सो बैकग्राउंड से चलेंगे कि कहां से स्टार्ट हुआ इसका प्रोसीजर आई थिंक अब आप लोगों को जो है ये प्रॉपर तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि प्लानिंग कमीशन जब भी बनाता बना था जब प्लानिंग कमीशन के जो ऑब्जेक्टिव थे वो हमेशा दिमाग में जो पांच साल के प्लान बनाता था उसके दिमाग में होता क्या था अगेन सेल्फ सफिशियंसी ग्रोथ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर कैपिटल इनकम को बढ़ाना और प्लस जो है रीजनल इनिक्लिटीज को दूर करना अमीर गरीब वाली बातों को खत्म करना सोशल जस्टिस इक्वल इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ये सब चीजें जो है उसके दिमाग में आपके चलती थी तो प्लानिंग कमीशन के जब भी वो पांच साल का प्लान बनाता था क्लियर हो गया सो so, जो मैंने पहला पॉइंट आपको समझाया है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? उस पॉइंट का मतलब यह है कि आपको पेपर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन इनमें से टिक करो वन टू थ्री फोर क्या है ऑल ऑफ द दीज मतलब इनमें से दू एंड थ्री है two है ऑब्जेक्टिव कोई भी डाल के पॉइंट समझ आया आप लोगों को तो यह याद रखना यस ऑब्जेक्टिव क्लियर है यस yes, बहुत बढ़िया अब चलते हैं प्लानिंग कमीशन के कॉन्सेप्ट की तरफ कि प्लानिंग कमीशन है क्या चीज देखिए जी 1934 में एक पर्सन थे जिनका नाम था एम विश्वेश्वरया एम विश्वेश्वरया ठीक है ये एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया इन्होंने पुस्तक लिखी कि हां मतलब जब भी हम बात करें हमारे देश की ग्रोथ करनी है देश में प्लान करना है तो इन्होंने इस बुक में आपका प्रॉपर तरीके से लिख दिया दैट इज प्लैंड इकोनॉमी फॉर इंडिया क्लियर अब इसी चीज को बढ़ते बढ़ते अब हमारे देश को भी लगा कि यार ऐसा भी कुछ होता है मतलब इस तरीके की भी चीजें होनी चाहिए मतलब प्लान भी होते हैं जहां हम अपने देश को आगे भी बढ़ा सकते हैं तो इस ऑब्जेक्टिव को करते करते 1938 में आपकी एक कमेटी बनी जिसे हम क्या कहते हैं नेशनल प्लानिंग कमेटी नेशनल प्लानिंग कमेटी के जो आपके चेयरपर्सन थे यहां पे डेट वॉज जवाहरलाल नेहरू जी क्लियर हो गया आप लोगों को जवाहरलाल नेहरू जी वॉज द प्रेजिडेंट तो अभी जो है बातें चल रही हैं कि हम प्लानिंग कमीशन बनाएंगे और जब प्लानिंग कमीशन बनने जा रहा है सो ये हुआ यह हुआ उसके बाद 1944 में एक आया बॉम्बे प्लान बॉम्बे प्लान आया जो बॉम्बे के इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे कि जे आर डी टाटा जी की अगर मैं बात करता हूं ठीक है यस जी डी बिरला जी की अगर मैं बात करता हूं जी जो टाटा के मतलब चेयरपर्सन जे आर डी टाटा एंड जी डी बिरला इज द जो फिक्की के चेयरपर्सन बने थे क्लियर पुरुषोत्तम दास और जी डी बिरला जी ने बना के फिक्की बनाया था क्लियर तो इनका मेन फोकस क्या था इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करो ये बॉम्बे के आठ इंडस्ट्रीज थे जिन्होंने बोला कि हम देश को चलाएंगे हमें फोकस करना है इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना है क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो किसका है इंडस्ट्रीस्ट का है क्यों क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं बात करूं यूरोप में आपका यूरोप की बात करें आ, जो है ब्रिटेन की बात करें सभी जगह के ऊपर पूरे ऑल ओवर इंडिया में मैक्सिमम जगह के ऊपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होते ही लोगों का ध्यान लड़ाई लड़ाई से हटके लड़ाई से हट के किस तरफ जाने लग गया पैसा कमाने में इकोनॉमिक ग्रोथ करने में और नो डाउट इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन हुआ तब लड़ाइयां भी हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉर हुई लेकिन इंडस्ट्रियल से कंट्रीज के पास ग्रोथ हुई हुई डेवलपमेंट पैसा आया लोगों का काम बढ़ा इंप्लायमेंट बढ़ी तो ये सब चीजें देखने को मिली तो इन्होंने बोला कि हम इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करेंगे तो ये आपका 1944 का प्लान आया था पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी समझ आया नेक्स्ट उसके बाद 1944 में ही एक आया गांधियन प्लान अब गांधीयन प्लान जो था वो क्या था अब गांधी जी जो पावर्स चाहते थे गांधी जी जो पावर्स चाहते थे उनका मेन फोकस क्या होता था गांधी जी इसका पावर का मेन गांधी जी का मेन फोकस होता था क्या गांव विलेजेस। मतलब पावर गांव में लेके आओ मतलब पावर्स टू विलेजेस डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर वन दूसरा विलेजेस में ग्रोथ करो हैंडीक्राफ्ट बनाओ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को प्रमोट करो जितने भी आपके गांव के लोग हैं उनको प्रमोट करो तो ये इनका मेन फोकस होता था तो ये गांधी प्लान जो हमें बताया था वो बताया था एस एन अग्रवाल जी ने एस एन अग्रवाल जी ने प्लान बताया था ये प्लान वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि किस चीज के ऊपर उनका मेन फोकस होता था क्लियर हो गया आप लोगों को नेक्स्ट नाइनटीन में एक आया पीपल्स प्लान ये पीपल प्लान जो है ये दिया था एम एन रॉय ये एम एन रॉय कौन है एम एन रॉय कौन है एम एन रॉय वही पर्सन है जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया दिया था ये कहते हैं यार प्लान करो लेकिन लोगों से पूछो लोग क्या चाहते हैं लोग क्या चाहते हैं लोग क्या मतलब लोगों लोगों का मेन उद्देश्य क्या है लोगों की लोगों से पूछो उसी तरीके से आप ऑब्जेक्टिव बनाओ और उसी तरीके से चीजों को आप करो सो दिस वाज़ द एम एन रॉय पीपल्स प्लान चलता गया चलता गया चीजें सक्सेसफुल नहीं हुई 1950 में एक प्लान आया सर्वोदया प्लान सर्वोदया प्लान ये सर्वोदया प्लान जो दिया था ये दिया था जेपी नारायण जी ने जयप्रकाश नारायण जी ने पॉइंट समझ आया अब बात यहां पे ये आ जाती है कि जेपी नारायण जी ने प्लान दिया और इनका मेन फोकस क्या था सर्वोदया मतलब सर्व उदया सर्व उध्या का मतलब क्या हो गया दैट इज राइजिंग ऑफ ऑल मतलब हमने सोसाइटी को हमेशा फोकस ऐसे करके चलना है कि जहां पे जो सोसाइटी है ऊंच नीच की बात ना हो अगेन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात हो रीजनल इनइलिटी की बात ना हो क्लियर और सभी स्टेट्स के ऊपर फोकस करके हम जो है ग्रोथ कर सकें तो ये मेन इनका फोकस था और मेन इनका ये आइडिया था कि सोसाइटी को इक्वेलि इक्वालिटी की तरफ लेके चलना है इक्वल तरीके से लेके चलना है ये इनका मकसद था जेपी नारायण जी का फिर भी कुछ नहीं हुआ ये प्लान आते गए आते गए आते गए और 1950 तक हम पहुंच गए फिर आया हमारा फिफ्टी मार्च 1950 को हमारा बनता है प्लानिंग कमीशन डेट इज योजना आयोग जिसे हम कहते हैं तो 15 मार्च 1950 को आपका बनता है प्लानिंग कमीशन प्लानिंग कमीशन जो है आपने याद होगा जो केसी नियोगी जो पहले फाइनेंस कमीशन थे उन्होंने वो पार्टिसिपेट किए थे इसके अंतर्गत कि हाँ प्लानिंग कमीशन बनाओ क्लियर हो गया बट प्लानिंग कमीशन कमीशन में में कोई भी मतलब प्लानिंग जो चेयर पर्सन होता है वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है पॉइंट समझ आया क्योंकि ये 1950 में बना था तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे दैट वाज जवाहरलाल नेहरू जी तो फर्स्ट चेयर पर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन वाज जवाहरलाल नेहरू जी कोई भी होगा मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो प्लानिंग कमीशन का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा ये याद रखना और इसी टाइम पे इसका जो डिप्यूटी चेयरपर्सन बनाए गए थे और वो नो डाउट उस टाइम पे गुलजारीलाल लाल नंदा जी बनाए गए थे लेकिन डिप्यूटी चेयरपर्सन को यहां पे कैबिनेट मंत्री का एक आपको रैंक मिलता था तो ये सारी बातें करी गई थी आपकी प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत क्लियर सेक्रेटरी होता था सब चीजें इस तरीके से बनाई गई और इनका मेन फोकस क्या था इनका मेन फोकस ये था कि डैडीज प्लान क्रिएट करना देश को आगे लेके जाना देश में कहां पे पैसा खर्च किया जाए जो मेन एरिया के ऊपर फोकस करने की बात करी गई जिससे हमारे देश में इनइक्वालिटी को खत्म किया जाए अगेन वो ये सब चीजें इनक्वालिटी को खत्म किया जाए ग्रोथ बढ़ाई जा सके ये मेन इनके टारगेट्स होते थे मेन इनका एम होता था क्लियर तो ये आपका बना 15 मार्च 1950 को क्या बन गया आपका प्लानिंग कमीशन फिर उसके बाद छह अगस्त उन्नीस को क्या बना एनडीसी डेट इज कॉल्ड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मतलब क्या हो गया राष्ट्रीय जो है, जो जो है है डेवलपमेंट मतलब राष्ट्रीय प्रगति वाला जो है एक कमीशन बैठा आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 6 अगस्त उन्नीस को एक्चुअली क्या होता था ये प्लानिंग कमीशन क्या करता था सिर्फ प्लान्स बनाता था कि हाँ हमने इस एरिया के ऊपर फोकस करना है हमने इस एरिया के ऊपर फोकस करना है हमने इस एरिया के ऊपर फोकस करना है फोकस एरिया कौन बताता था प्लानिंग कमीशन बताता था लेकिन जो भी बात करता था कि हाँ ये ऐसा कर सकते हैं हम लोग उसका जो डिसीजन होता था वो एनडीसी फाइनल करते थे जो इसका जो डिसीजन होता था वो आप फाइनल करते थे तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनडीसी का डिसीजन जो है आपका फाइनल होता था पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का प्लानिंग जो डिसीजन था वो फाइनल था अब दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको प्लानिंग कमीशन सिर्फ प्लान बनाता था उसको स्टैंप हा कौन करवाता था एनडीसी अब एनडीसी में वो सारे मेंबर होते थे जो प्लानिंग कमीशन के मतलब क्या हो गया कि अगर मैं एनडीसी बात करता हूं कि ये एनडीसी है ठीक है तो इसके अंतर्गत प्लानिंग कमीशन भी आता था प्लानिंग कमीशन के जो चेयरपर्सन थे सेक्रेटरी थे डिप्यूटी चेयरपर्सन थे वो सारे लोग जो हैं इट इज़, चेयरपर्सन डिप्यूटी चेयरपर्सन और सेक्रेटरी आपके एनडीसी के होते थे लेकिन फिर डिफरेंस कहाँ पे होता था डिफरेंस ये होता था कि एनडीसी में प्लानिंग कमीशन के अलावा जो चीफ मिनिस्टर होते थे आपकी स्टेट के लेफ्टिनेंट गवर्नर और जब गवर्नर होते थे आपके यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे चीफ लेफ्टिनेंट गवर्नर या आपके एडमिनिस्ट्रेटर जिन्हें हम कहते हैं वो इसका पार्ट होते थे किसका एनडीसी का पार्ट होते थे सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लानिंग कमीशन इस तरीके से प्लानिंग कमीशन आपका बनता है अब इन्होंने पांच साल के प्लान बनाना स्टार्ट किए लेकिन अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा प्लानिंग कमीशन के जो चार्ट है प्रॉपर तरीके से फर्स्ट में यह हुआ सेकंड में यह हुआ थर्ड में यह हुआ लेकिन ध्यान रखना मेरे वर्ड्स के ऊपर ध्यान रखना जो मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फोकस कर लेना उस पॉइंट के ऊपर फोकस कर लेना क्योंकि एग्जामिनर वहां से क्वेश्चन पूछेगा पॉइंट समझ आया आप लोगों को आई थिंक दिस इज क्लियर नाउ क्लियर प्लानिंग कमीशन का पार्ट अब मैं आपको जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया है पूरा प्लानिंग कमीशन का उसी कॉन्सेप्ट को पीछे लेके चलते हैं यहां पे। जी 1934 में 1934 की अगर मैं बात करता हूं विश्वेश्वर जी प्ला, प्लान देते हैं और प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक लिखते हैं और ये एक इंजीनियर थे क्लियर और जो है एक्स दीवान ऑफ मैसूर एंड भारत रत्न रेसिपेंट थे ये फिर नेहरू जी द्वारा एनडीएन जो है आपकी नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरपर्सन ये थे 44 में जो है आपका बॉम्बे प्लान आया अगेन मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने दिया था 44 में एसएन अग्रवाल जी ने गांधीन प्लान दिया 45 में आपका एमएन रॉय का प्लान आया पीपल्स प्लान क्लियर ये हम बात कर चुके हैं 1950 में जयप्रकाश नारायण जी ने सर्वोदया प्लान दिया जो कि विनोबा भावे जी की फिलॉसफी के ऊपर बेस था 1950 में प्लानिंग कमीशन आपका बन जाता है 6 अगस्त 1952 को आपका एनडीसी बन जाता है जो हमने डिस्कस किया अभी वो अलग बात है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नीति आयोग का टॉपिक हम अलग से डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक में आपको मैं बताऊंगा कि 2014 में जो मोदी गवर्नमेंट थी उन्होंने प्लानिंग कमीशन को बंद कर दिया खत्म कर दिया और एक जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग बन गया जो कि आज हमारे देश का थिंक टैंक ऑफ द कंट्री है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्लियर नीति आयोग का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लेकिन आज हम प्लानिंग कमीशन और उसके जो है फाइव इन प्लान को डिस्कस करने जा रहे हैं क्लियर So, यहां पे देखिए जी प्लानिंग कमीशन के लोग कौन कौन होते थे जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होगा वो आपका एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होगा डिप्यूटी चेयरपर्सन होगा जिसको एक कैबिनेट मंत्री का रैंक मिलेगा छह यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जो कि इसके एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होंगे और एक सेक्रेटरी होगा जो मैंने आपको बताया था और ये सारे लोग कहां पे पार्टिसिपेट करेंगे एनडीसी में भी पार्टिसिपेट करेंगे ये याद रखना ऑटोनॉमस बॉडी है ये आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ये फालतू तो चीजें हैं फालतू तो मतलब ऑलरेडी आपको डिस्कस करी गई हैं तो अब चलते हैं जी आपके प्लान्स के तरफ ये चार्ट ध्यान से समझना क्योंकि इसमें हमने 12 प्लान्स डिस्कस करने हैं 12 प्लान्स है क्या किस तरीके के प्लान हैं क्या ऑब्जेक्टिव उनके दिमाग में थे जो आपके प्लान के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट ज्यादा करूंगा कि ये याद करना ये पढ़ लेना तो यहां पे इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि पहली बात तो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान से लेके जो बारह फाइव ईयर प्लान चले हैं ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान तक आपको सबको आपको ईयर पता होने चाहिए उसके नंबर वन ठीक है इसमें भी आपको बताऊंगा आपको फर्स्ट फाइव ईयर प्लान अगर प्लान बोल दिया तो आपको ईयर पता होना चाहिए कब से कब तक चला था सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी बोल दिया तो आपको पहले तो ईयर पता होना चाहिए दूसरा कि ये प्लान जो है वो किसने दिया था पॉइंट समझ आया ये दो क्वेश्चन तो हर हर चीज के बारे में आपको पढ़ने हैं बारह के बारह प्लान्स के बारे में ईयर पढ़ना है और किसने कौन सा प्लान दिया था ये पढ़ना है तीसरा पॉइंट ये पढ़ना है कि जहां पे हमारा ऑब्जेक्टिव था मतलब हमने क्या सोचा था तो ये सब चीजें आपको पढ़नी है लेकिन अगेन जो मैं थोड़ा सा कंसल्टेट ज्यादा करूंगा उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना ताकि आपको चीज समझ आ जाए अच्छे से सो स्टार्ट विद फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट नंबर ईयर प्लान चलता है 1951 से 56 की तरफ ठीक है और इस प्लान को हमें किसने बताया था हेराल डोमर मॉडल दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर यह हेराल डोमर मॉडल ने दिया था लेकिन इसमें फॉर्मुलेट किसने किया था के एन राज के एन राज पर्सन है जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था सो दीज टू आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पहला ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान किसके ऊपर बेस्ड था हेराल्डोमर मॉडल किसने फॉर्मुलेट किया था के एन जो है के एन राज जी ने फॉर्मुलेट करवाया था आपका क्लियर हो गया आप लोगों को और इनका मेन फोकस कहां पे था एग्रीकल्चर के ऊपर मेन फोकस वाज ऑन द एग्रीकल्चर जो भी पैसा दिया गया था कि हाँ हम पैसा खर्च करेंगे उसका एक तिहाई थर्टी फोर परसेंट पैसा एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च होना था क्लियर यहां पे देखिए मेन फोकस जो है एग्रीकल्चर ये याद रखना मेन फोकस वाज ऑन एग्रीकल्चर इरिगेशन एंड पावर लेकिन मेन वाज एग्रीकल्चर क्लियर ये याद रखना और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में वन थर्ड पैसा जाने के 34 परसेंट पैसा आपका किसके ऊपर खर्च किया गया था एग्रीकल्चर के ऊपर खर्च किया गया था दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर में ग्रोथ अच्छी हुई। हमें ग्रोथ होती है यह पेपर में पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में कितनी ग्रोथ देखने को मिली थी तो ये तीनों तीनों तीनो, चारों पॉइंट जो है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यहां पर नंबर टू फिफ्टी टू सिक्सटी में नेहरू महलनोबिस प्लान आया नेहरू जो जो था, था और इनका में कहां पे था? जाने के जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रीज बनाओ पॉइंट क्लियर हो गया तो यहां पे पढ़ते हैं तो सेकंड फाइव ईयर प्लान जो है उसे हम क्या कहते हैं पीसी महलनोबिस मॉडल सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्लियर और इनकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर नेशनल स्टैटिस्टिकल डे केंद्र जो है राष्ट्रीय संख संघ्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इनका बर्थ एनिवर्सरी कब होती है कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए महल जी की बर्थ एनिवर्सरी कब होती है कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर और इसको हम क्या कहते हैं नेहरू महलनोबिस मॉडल के नाम से भी जानते हैं और मैंने आपको क्या बताया इस प्लान के अंदर किस चीज के ऊपर फोकस था इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस था तो मतलब रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आपको करनी है हैवी इंडस्ट्रीज आपको बनानी है और इसी चीज के चलते चलते इन्होंने तीन इंडस्ट्रीज जो है आपकी मेन फोकस करके यहां पे बनाई थी और वो तीनों की तीनों जो इंडस्ट्रीज थी वो कौन सी थी आयरन एंड स्टील प्लांट आयरन एंड स्टील प्लांट खोले गए थे यहां पे क्लियर और आयरन एंड स्टील प्लांट कहां पे भिलाई में भिलाई कहां पे है छत्तीसगढ़ और इसमें मदद कौन करता है यूएसएसआर मदद करता है खोलने में और एक है राउरकेला जो कि उड़ीसा में है राउकेला उड़ीसा में है और इसके ऊपर फोकस किसने किया था वेस्ट जर्मनी ने पैसे दिए थे यहां पे उनको सेटअप करने के लिए आयरन एंड स्टील प्लांट में और तीसरा हुआ था दुर्गापुर दुर्गापुर दैट इज इन द वेस्ट बेंगाल और इसमें पैसा दिया था ब्रिटेन तो ये तीन एंड तीन जो है आयरन एंड स्टील प्लांट यहां पे स्टार्ट किए गए थे एंड डैट इज इन द 1956 सिक्स टू सिक्सटी वन सेकेंड फाइव इ्लान में ये फोकस की गई थी। ये तीनों की तीनों इंडस्ट्रीज आपकी चली थी और तीनों की तीनों क्या थी आयरन एंड स्टील प्लांट थे लेकिन यहां पर कांग्रेस ने अपनाया क्या सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी जो है अपनाया कब गया था सो दैट इज इन द सेकेंड फाइव ईयर प्लान सुपर सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सेकेंड फाइव ईयर प्लान में अपनाया गया था सोश पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब यही था कि हमने लोगों का वेलफेयर करना है हमने लोगों के ऊपर फोकस करना है ग्रोथ करनी है लेकिन साथ साथ वेलफेयर भी आपको करते चलते जाना पड़ेगा पॉइंट क्लियर होगा दिस इज इंपॉर्टेंट वन क्लियर और इसमें हमने सक्सेसफुल हुए और इन्होंने चार पॉइंट एक परसेंट की जो है यहां पे ग्रोथ रेट आपको ले लेते हैं दिस इज इंपॉर्टेंट वन क्लियर थर्ड फाइव ईयर प्लान जो है सिक्सटी से सिक्सटी तक देखने को आपको मिला और इस प्लान को हमने बोला सुखमोय चक्रवर्ती एंड सैंडी मॉडल इसको हम कहते हैं सो दिस इज इंपॉर्टेंट और इसको हम और क्या कहते हैं गादगिल योजना के नाम से भी जानते हैं ये दोनों पॉइंट आपको पता होने चाहिए गादगिल योजना एंड प्लस सुखमोय चक्रवर्ती एंड सैंडी मॉडल पेपर में कुछ भी आ सकता है मैं आपको बता रहा हूं आप ऐसे समझ के मत चलिए कि ये क्वेश्चन तो कभी एग्जाम में आया ही नहीं

डीप नॉलेज प्रोवाइड करो पेपर में आए ना आए वो मैटर नहीं करता लेकिन पढ़ना आपको है कि अगर पेपर में आ गया तो आप जो है ऐसे ना हो कि ये कहां ये नाम तो सुना ही नहीं था पॉइंट समझ आया सो हमने फोकस करना है जो चीजें हैं वो हैं। क्लियर तो इसमें देखिए जी क्या है सुखमोय चक्रवर्ती एंड सैंडी मॉडल भी कहते हैं दूसरा इसको गादगिल योजना भी कहते हैं और इनका जो मेन फोकस था ना ये कहते थे क्या कि ठीक है पहला प्लान भी सक्सेसफुल दूसरा प्लान भी सक्सेसफुल अब इन्होंने बोल दिया सेल्फ रिलायंट मतलब आत्मनिर्भर इतनी जल्दी आत्मनिर्भर 200 साल अंग्रेजों ने लूट पाट करी 200 साल 200 साल मुगल रहे कुछ ना कुछ होते ही गया हमारे देश में आप 10 साल में इतनी ग्रोथ आप लोगों ने कर ली कि आप सेल्फ सफिशियंट की बातें कर रहे हैं तो सेल्फ सफिशेंट की बातें यहां पे फेल हो जाती हैं और इन्होंने बोला कि हमारी जो इकोनॉमी होगी हम इंडिपेंडेंट हैं मतलब इट मींस हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है हम अपनी ग्रोथ अपने देश को खुद चलाएंगे क्लियर दूसरा सेल्फ एक्टिव और सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी की यहां पर बात करी गई मतलब आत्मनिर्भरता की बात करी गई सेल्फ डिपेंडेंट की बात करी गई सेल्फ रिलायंट की बात करी गई और यह चीज फेल हो गई क्यों फेल हो गई क्योंकि हमारे थर्ड फाइव ईयर प्लान में 65 में 1965 में 1965 में सूखे पड़ गए जिसे हम कहते हैं सूखे पड़ जाते हैं 1965 में ड्रॉट्स सूखे पड़ गए नंबर वन दूसरी बात कि 1962 में इंडिया चाइना की वॉर हो जाती है 1965 में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो जाती है मतलब इतना कुछ एक ही पांच सालों में हो जाता है तो ऑब्वियसली बात है कि सेल्फ जनरेटिंग सॉरी सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी जो हम वर्ड यूज कर रहे थे सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ रिलायंट की बात कर रहे थे यहां पे सब कुछ उल्टा पड़ जाता है सारे पैसे डिफेंस में गए सारे पैसे सूखे में चले गए पॉइंट समझ आया तो ये हमारा जो प्लान है थर्ड फाइव ईयर प्लान जो है सबसे वर्स्ट प्लान था हमारा सबसे बेकार प्लान था हमारा पॉइंट समझ आया इसमें हमने जो सोचा था कि हम ये कर लेंगे हम वो कर लेंगे सबसे वर्स्ट ये प्लान था अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द वर्स्ट प्लान एवर तो दैट इज थर्ड फाइव ईयर प्लान सबसे ज्यादा जो है वर्स्ट प्लान था पॉइंट समझ आया आप लोगों को चलिए थर्ड फाइव ईयर प्लान डिस्कस कर लिया हमने अब चलते हैं चौथे फाइव ईयर प्लान की तरफ चौथा फाइव ईयर प्लान अब आप कहेंगे कि सर 66 में तो हुआ और फिर 66 से स्टार्ट हो गया नहीं मैंने आपको क्या बोला इकोनॉमिक खत्म हो चुकी थी इकोनॉमिक खत्म हो चुकी थी अब ये क्या कहते हैं जैसे देश चलता है वैसे ही चला लो अब इन्होंने क्या किया तीन एनुअल प्लान बनाते हैं तीन सालाना प्लान बनाते हैं वो क्या प्लान है कुछ प्लान नहीं है जैसे देश चलता चला जा रहा है वैसी देश चलता चला जा रहा है नाइनटीन से सिक्सटी चला

जितना हम चल सके तो डेट ये ये लाइनें जो मैं बोल रहा हूं ना, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाएगा ठीक है तो एनुअल प्लान बनते हैं यहां पे तो एनुअल प्लान में 66 से 69 बनते हैं और इन्होंने बोला इक्वल प्रायोरिटी देंगे अब कोई एग्रीकल्चर नहीं अब कोई इंडस्ट्री नहीं सबको बराबर इक्वल जो है प्रायोरिटी आपको मिलेगी पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी इक्वल प्रायोरिटी मिलेगी सभी सेक्टर्स को एग्रीकल्चर को भी इंडस्ट्रीज को भी एग्रीकल्चर के साथ संबंधित और भी जो भी है चाहे वो फिशरी है मिनरल्स है माइनिंग है डेयरी फार्मिंग है कुछ भी है सबको इक्वल प्रायोरिटी आपको यहां पे मिलेगी तो इन्होंने इक्वल प्रायोरिटी यहां पे दी अब बात सोचो बात सोचने वाली है 66 और 69 में सोचने वाली बात क्या है 1966 में हमारे यहां पे क्या हो गया डीवैल्यूएशन डीवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है डीवैल्यूएशन का मतलब यह होता है कि जब कंट्री जो है अपनी ऑफिशियल करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर दे तो डेट इज कॉल्ड डीवैल्यूएशन दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ अगर एक डॉलर साठ रुपए का है तो अब एक डॉलर सत्तर रुपए का होगा दैट मींस इसका मतलब ये गवर्नमेंट खुद कर रही है और ये गवर्नमेंट खुद क्यों कर रही है क्योंकि डीवैल्यूएशन जब होगा बाहर के लोगों के लिए चीजें क्या हो जाएंगी सस्ती हो जाएंगी बाहर के लोगों के लिए चीजें क्या हो जाएंगी सस्ती हो जाएंगी जिससे क्या होगा हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा जिससे हमारा क्या होगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन करेंसी किसके पास आएगी हमारे पास आएगी और फॉरेन करेंसी जमा कहां पे होगी आरबीआई के पास क्योंकि हमने लिखा हुआ है हमने याद किया हुआ है कि आरबीआई के पास जितनी फॉरेन करेंसी आती है उतने के वो नोट छाप सकता है तो ऑब्वियसली बात है मेन फोकस इनका क्या था कि भाई जैसे तैसे जो है डिवेल्यूशन करो पैसा लेके आओ एक्सपोर्ट बढ़ाओ और पैसे अपने देश में ले आओ और पैसा छापेंगे उसके अकॉर्डिंग क्लियर तो एक्सपोर्ट से आपका ये सब चीजें देखने को आपको मिली समझ आया आप लोगों को समझ आया एक्सपोर्ट बनाने के बाद और 66 में ही 1966 में ही आ, 66 67 में ही क्या आया ग्रीन रेवल्यूशन आपका देखने को मिला ग्रीन रेवल्यूशन जो है एम एस स्वामीनाथन जी हमारे फादर ऑफ ग्रीन रेवल्यूशन इन इंडिया अदरवाइज नॉर्मन बर्लॉग थे विलियम गैड ने जो है ये वर्ड हमें बताया था ग्रीन रेवोल्यूशन का वर्ड हमें बताया था ये सब बातें जो हैं आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन में हुई 69 में 69 में व्हाइट रेवोल्यूशन आ गया वाइट रेवोल्यूशन जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन के लिए था जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जानते हैं ऑपरेशन फ्लड पॉइंट समझ आया डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन डॉक्टर वर्गीज क्यूरियन इज द फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड क्यों ये सब चीजें ऐसी हुई क्यों थी क्योंकि इक्वल प्रायोरिटी मिली थी एग्रीकल्चर को भी और उनके लग जितने भी आपके सेक्टर्स हैं उनको भी दैट्स वाई ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ गया दैट्स वाई मिल्क रेवोल्यूशन भी आ गया दैट इज ऑपरेशन फ्लड भी आ गया आपके देश में तो ये सारी बातें इस टाइम पे देखने को मिली और ये थर्ड फाइव थर्ड एनुअल प्लान का आपका नतीजा था कि क्योंकि इन्होंने कहा कि इक्वल प्रायोरिटी दे सब दो सब बराबर कर दो पॉइंट समझ आया आप लोगों को नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ फाइव ईयर प्लान की 69 से 74 जो है आपका ईयर है यानी कि अब इसके बाद आपका फोर्थ फाइव ईयर प्लान बनता है और इसको हम अशोक रुद्र एलन मैनी मॉडल के नाम से भी जानते हैं पॉइंट समझ आया अशोक रुद्र एलन मैनी मॉडल के नाम से जानते हैं ये याद रखना और इनका फोकस क्या था अब चौथा फाइव ईयर प्लान में ये क्या बोलते हैं कि भाई अब हम ग्रोथ तो करेंगे हम विकास तो करेंगे लेकिन कुछ पैसे बचाते चले जाएंगे जाने के हमने स्टेबिलिटी की तरफ भी ध्यान देना है ऐसा नहीं पैसा आया और पैसा हम खर्च करते चले जा रहे हैं नहीं ग्रोथ भी करो और पीछे अपने कुछ पैसा बचाते चले जाओ जाने की स्टेबल भी रहो अगर पैसा लगाते लगाते हमारा पैसा फेल हो जाए तो हमें देश को इतना इंपैक्ट ना पड़े कि हमारी देश की इकोनॉमी खत्म हो रही है तो हमें ध्यान से चलना है तो इट मींस इन्होंने बोला ग्रोथ विद स्टेबिलिटी की बात यहां पे करते हैं क्लियर और स्टेबिलिटी तभी होगी जब आप क्या होंगे सेल्फ रिलायंट जाने के आत्मनिर्भर होंगे पॉइंट समझ आए आप लोगों को तो दिस वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव इन द फोर्थ फाइव ईयर प्लान और यह प्लान फेल्ड हो गया था अचीव नहीं कर पाया था ग्रोथ रेट जो है ग्रोथ रेट आई थी 5.47 जो है इन्होंने बोला था लेकिन ग्रोथ नहीं आई उसके बाद आ जाओ फिफ्थ फाइव ईयर प्लान फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में जो है सी सुब्रमण्यम और बाद में किसने किया था डीपी धर ने इसको ड्राफ्ट किया था यह याद रखना फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में पांचवा फाइव ईयर प्लान ऐसा फाइव ईयर प्लान है जहां पे हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी इंदिरा गांधी जी ने यहां पे एक प्लान इंदिरा गांधी जी ने इंदिरा गांधी जी ने यहां पे स्लोगन बोला गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ का स्लोगन जो आता है पांचवें पंचवर्षीय योजना में आता है फिफ्थ फाइव ईयर प्लान में आता है सो ये याद रखने वाला पॉइंट है पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और इसमें दस साल का लॉन्ग टर्म प्रस्पेक्टिव प्लान था अब आपको एक टॉपिक मैं वो भी करवाऊंगा टाइप्स ऑफ प्लानिंग एक उसमें एक होती है परस्पेक्टिव प्लानिंग प्रस्पेक्टिव प्लानिंग का मतलब ये होता है हमने हमने सोच के ही आगे लेके चले गए हैं डैट मींस अब कोई पांच साल का प्लान नहीं अब हम दस साल का प्लान सीधे ही सोच के बैठे हैं हमारे दिमाग में विजन जो है अगले दस साल की है तो डेट इज कॉल्ड प्रस्पेक्टिव प्लानिंग उसे हम कहते हैं तो यहां पे दस साल आगे की सोच रखी थी इन्होंने तो यहां पे इन्होंने बोला कि आपने गरीबी हटानी हटानी है मेन फोकस इज गरीबी नाउ दूसरा फोकस जो है आत्मनिर्भर का ऑब्वियसली बात है जब गरीबी हटेगी तो हम सारे आत्मनिर्भर हो जाएंगे सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर और इसका जो ओवरऑल टारगेट जो रखा गया था यस yes, इन्होंने जो ग्रोथ अचीव uh, की थी वो फोर पॉइंट फोर पॉइंट फोर पॉइंट एट परसेंट की ग्रोथ जो है अचीव करी थी लेकिन टारगेट इनका फोर पॉइंट फोर था तो दिस इज द इंपॉर्टेंट वन क्लियर ये याद रखना ये इंपॉर्टेंट है यार ठीक है ये नाम है आपको पेपर में पूछे जाते हैं ये पांच साल के प्लान मैंने आपको बता दिए लेकिन आगे बढ़ने से पहले और भी बहुत सारे प्लान है मैंने आपको डिस्कस करने हैं आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दूं अगर आप इस एम इसके एमसीक्यू अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा पेड कोर्स ले सकते हैं टेन थाउजेंड एमसीक्यू कोर्स और इस टेन थाउजेंड एमसी के कोर्स में सारे प्लानिंग कमीशन के टॉपिक्स वगैरह सब ए टू जेड हमने डिस्कस किया पॉलिटी हिस्ट्री जोग्राफी साइंस जो भी चीजें हैं क्लियर आप इसको स्टडी आईक्यू ऐप और वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं वहां पे सर्च बार में डाल देना टेन थाउजेंड एमसी कोर्स तो आपको ये कोर्स परचेज करके अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं नाउ द पार्ट इज सिक्स फाइव ईयर प्लान क्लियर हो गया आप लोगों को जी सिक्स फाइव ईयर प्लान अब एक चीज बताओ पांचवा पंचवर्षीय योजना फिफ्थ फाइव ईयर प्लान कब से कब तक था जो आपका फिफ्थ फाइव ईयर प्लान था पांचवा ये क्या हुआ 1974 से 79 तक का था ठीक है लेकिन 79 तक चला ही नहीं ये चला 78 तक दैट मींस ये हुआ 1947 टू सॉरी 1974 टू 78 फिर एक इलेक्शंस होते हैं जनता पार्टी जनता पार्टी जो है आपकी पावर में आती है जनता पार्टी और इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं मोरारजी देसाई और मोरारजी देसाई की जो सरकार है इनका प्लान जो है सेवनटी एट टू एटी तक ही रहता है यानी कि दो साल ही रहता है अब मतलब तो गवर्नमेंट दो साल के लिए रहती है तो दो साल ही इनका कार्यकाल है पॉइंट समझ आया और ये बोलते क्या है कि हम पंचवर्षीय योजना नहीं बनाएंगे हम पांच साल का प्लान नहीं बनाएंगे हम बनाएंगे क्या रोलिंग प्लान हम क्या बनाएंगे रोलिंग प्लान वट इज द मीनिंग ऑफ रोलिंग प्लान इनका इनको पता नहीं था कि हम दो साल ही काम करने वाले हैं लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा अलग था ऑब्जेक्टिव क्या था जैसे ये क्या करते थे पहले पांच साल का प्लान बनाते थे इसका रिजल्ट पांच साल बाद देखते थे और फिर देखते थे कि हमारी गलतियां कहां पे हुई कहां पे अच्छाइयां हुई जब गलत कैसे हुआ जब ऐसे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट क्यों नहीं हुआ सब पांच साल के बाद होता था रोलिंग प्लान में क्या बोला गया हम एक साल का प्लान लेंगे एक साल के प्लान के जो टारगेट्स होंगे वो हम एक साल बाद जो है इसको रिव्यू करेंगे क्लियर और देखेंगे कि जो हमने एक साल के लिए सोचा था एक साल हम सोचा था कि हां ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा वो काम अगर कंप्लीट नहीं हुआ अगर वो काम कंप्लीट नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ अगर नहीं हुआ तो हमने उसके ऊपर फोकस करना है भाई क्यों नहीं हुआ और इसको सही कैसे किया जाए तो क्या हुआ इनके रिव्यू करने के बाद अगले साल का प्लान ऐसे बनेगा मतलब एक एक साल का जो प्लान बनेगा इज कॉल्ड रोलिंग प्लान पॉइंट समझ आया और ये मुराजी देसाई सरकार ने हमें दिया था एंड दैट इज द रोलिंग प्लान 1978 टू 80 में चला था जनता पार्टी ने चलाया था मुराजी देसाई की सरकार ने हर साल एक एक जो है आपका ऑब्जेक्टिव होगा एक एक साल का पॉइंट समझ आया जस्ट ए सेकेंड आई थिंक आई एम क्लियर ये आपको क्लियर है सब चीजें ठीक है बढ़े आगे जी जस्ट ए सेकेंड हा मैं सेल चेंज कर लूं तब तक जी सो यस माई वॉइस इज क्लियर यस माई वॉइस इज क्लियर सही यस और नो आवाज आ रही है ना आप लोगों को चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्स फाइव ईयर प्लान ये चला था 1980 से 85। क्वेश्चन ध्यान रखना अगर आपसे पूछा गरीबी हटाओ स्लोगन जो है ये कब दिया गया था तो आपका आंसर क्या होगा दैट इज फिफ्थ इंदिरा गांधी जी। पॉइंट लेकिन अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि गरीबी हटाओ दैट इज पॉवर्टी रिमूवल जो थीम है ये कब आया था दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर ये थीम जो आया था ये सिक्स फाइव ईयर प्लान में आया था एटी से एट्टी फाइव के प्लान में आया था सो so, ये ध्यान रखना पॉइंट समझ आया गरीबी हटाओ स्लोगन किसने दिया इंदिरा गांधी जी ने पांचवे पंचवर्षीय योजना में लेकिन गरीबी हटाओ डेट इज रिमूवल ऑफ पॉवर्टी ये थीम जो था वो कौन से फाइव ईयर प्लान में था तो आपका आंसर क्या बनेगा सिक्स फाइव ईयर प्लान क्लियर और अगेन इनका जो मॉडल है वो यही है कि आपने इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करनी है और ग्रोथ मॉडल अगेन आपको लेके आना है तो ये इतने इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है बट हां दिस इंपॉर्टेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इन्होंने टारगेट पांच पॉइंट दो रखा था और अचीव कितना किया था पांच पॉइंट सेवन परसेंट ग्रोथ जो है अचीव करी थी समझ आया आप लोगों को जी हाँ जी एक सेकेंड हा एक्चुअली क्या होता है कि जब हम क्लास लेते हैं ना तो मैं इन चीजों का बहुत ध्यान रखता हूँ कि आ, हमारा माइक ना बंद हो ठीक है जैसे ही माइक में एक डंडा रह जाता है ना तो मैं हमेशा सेल चेंज कर देता हूँ <laughs> एक डंडा समझते हो ना एक पॉइंट चार्जर का रह जाता है चलिए सो so, ये बात बात हो जाती है अब चलते हैं जी सेवन फाइव ईयर प्लान की तरफ तो एट्टी फाइव से एट्टी नाइन तक जो है ये ईयर प्लान चला था आपका दैट इज सेवन फाइव ईयर प्लान और ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति और उस टाइम के मतलब फाइनेंस मिनिस्टर पहले थे दैट इज प्रणब मुखर्जी जी ने ये प्लान दिया था तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर तो दैट मीन ये सेवन फाइव ईयर प्लान जो है प्रणब मुखर्जी ने क्या किया है प्लान किया है डिजाइन किया है अब इस प्लान के ऑब्जेक्टिव क्या है अगेन सेल्फ सफिशियंट इकोनॉमी मतलब क्या हो गया आत्मनिर्भरता की बात फिर आ गई यहां पे क्लियर और यहां पे प्रोडक्टिव इंप्लॉयमेंट की बात आ जाती है लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है यहां पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि प्राइवेट सेक्टर को जो प्राइवेट सेक्टर है इसको प्रायोरिटी मिली थी प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी का मतलब पता क्या है कि हाँ प्राइवेट सेक्टर लेके आओ पैसा लगाओ मार्केट में ग्रोथ करवाओ कंपटीशन करवाओ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करो जो हमारे यूएस में देखने को मिलती है यहां पे भी लेके आओ तो प्राइवेट सेक्टर को यहां पे पहली बार प्रायोरिटी मिली थी आपके पब्लिक सेक्टर के ऊपर तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पेपर में पूछा कि पहला ऐसा फाइव ईयर प्लान बताइए जहां पे प्राइवेट सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिली थी एंड दैट इज इन द ईयर 85 टू 89 और इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी जी राजीव गांधी जी युवा प्रधानमंत्री थे और उनका ही विजन था कि प्राइवेट सेक्टर को यहां पे इन्वेस्ट करवाओ तभी ग्रोथ कर सकते हैं हम देश में पॉइंट समझ आया आप लोगों को तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझ आया आप लोगों को तो यहां पे टारगेट ये था और यहां पे देखिए टारगेट इन्होंने रखा पांच परसेंट और अचीव कितना कर लिया छह परसेंट अब ऐसा क्यों क्योंकि हमारे देश के अंतर्गत जो है कॉम्पिटिशन बढ़ा देश में लोगों को लगा नहीं पैसा कमाना है दे देश को आगे लेके जाना है पैसा हमारे पास होगा तभी तो देश के पास होगा जब देश के पास पैसा होगा तभी तो हमारे पास होगा तो हमें काम करना है प्राइवेट सेक्टर आया कंपटीशन बढ़ा जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर लोग काम करते थे वो भी क्या हो गए उठ गए कि यार आप हम तो काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा पॉइंट समझ आया सो इट मींस यहां पर कॉम्पिटिशन की भावना बढ़ी और ग्रोथ हमारी देखने को मिली ज्यादा तो अभी हमने जो पढ़ लिया वो छ सात सात फाइव ईयर प्लान हमने पढ़ ली सातवें फाइव ईयर प्लान के बाद हमारे देश में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अगेन थोड़ी सी इंबैलेंस हो जाती है आपने देखा होगा स्कैम 1992 मूवी देखी होगी सॉरी सीरीज जो थी स्कैम उन्नीस ठीक है तो ये जो स्कैम वाली बातें थी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी हमारे देश में सेंटर में सरकार उथल पुथल चल रही थी कभी uh, मतलब प्रधानमंत्री चेंज हो जाना या जा कुछ हो जाना और हमारी ग्रोथ ना होना एंड द एंड जो है सेंटर में जो है आपकी इंस्टेबिलिटी चल रही थी जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही थी तो अगेन देश फिर हिल गया देश फिर हिल गया हिलने का मतलब यहाँ पे है अब कोई प्लान नहीं बन रहा फिर पहले हमने पढ़े ऐसे प्लान डेट इज नाइनटीन टू सिक्सटी नाइन पॉइंट समझ आया फिर हम बात कर रहे हैं टू एनुअल प्लान की तो जो आपका हाँ बनता है नाइनटीन नाइनटी से नाइनटी वन नाइनटी वन से नाइनटी टू यहां पर दो एनुअल प्लान आते हैं बस पॉइंट समझ आया और इसी के चलते चलते अगर आपको याद होगा 1991 और 1992 जो है एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे हमारे भारत देश में लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ये सब बातें करी गई थी यहां पे लेकिन ये एलपीजी रिफॉर्म्स है क्या मैं बहुत डिटेल में आपको एक अलग टॉपिक इसको पढ़ाऊंगा जैसे मैंने नीति आयोग क्योंकि देखिए प्लानिंग कमीशन आप ऐसे मत समझे कि आधे घंटे का टॉपिक है समझ आया ये कम से कम पांच घंटे का टॉपिक है ये प्लानिंग कमीशन नीति आयोग टाइप्स ऑफ प्लानिंग देन उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म्स न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये सब कुछ मिला के साथ छ सात घंटे का टॉपिक है लेकिन ध्यान से एलपीजी रिफॉर्म्स को मैं अलग से डिस्कस करूंगा बस आपको इतना पढ़ लेना है लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन कानून लिबरल कर दिए गए थे लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व किया गया था और ग्लोबलाइज वर्ल्ड किया गया था जो चीज हम चाहें हम इंडिया से बाहर बेच सकते हैं और बाहर की कोई भी चीज इंडिया में लेके आ सकते हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी मिल चुकी थी यहां पे तो ग्लोबलाइज वर्ल्ड की तरफ हम चल पड़े थे पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी समझ आया आप लोगों को जी अब चलते हैं अगली, अगले अगले पॉइंट की तरफ अब आता है एट फाइव ईयर प्लान यह चला 92 से 97 में और इसका जो मॉडल था डेट इज जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल सो दिस इज द आपका एट फाइव ईयर प्लान और इस टाइम पे प्रधानमंत्री पी वी नरसिम्हा राव और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे एंड डेट वॉज डेट इज मनमोहन सिंह जी मनमोहन सिंह जी क्लियर और इन्होंने ही इन्होंने ही हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आए थे ये लोग ही हमारे देश में क्या लेके आए थे एलपीजी रिफॉर्म्स क्लियर और पीवी नरसिम्हा राव जी को क्या बोलते हैं हम लोग दैट इज फादर ऑफ फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फादर ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स इन इंडिया कौन है दैट इज पीवी नरसिम्हा राव जी सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को चलिए अब बात करते हैं इनका ऑब्जेक्टिव क्या था सोशल जस्टिस एंड इक्विटी अगेन समानता कानून में पावर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चाहे जस्टिस की बात करी जाए इक्वालिटी सो पॉलिटिकल की बात करें इकोनॉमिक की बात करें सोशल जस्टिस प्रॉपर तरीके से जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा सबको कोई भेदभाव वाली बातें नहीं करी जाएंगी लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान रखना है यहां पे आपकी जो प्लानिंग बनी थी ना वो इंडिकेटिव प्लानिंग हो गई थी मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं टाइप्स ऑफ प्लानिंग आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें हमने तीन तो पढ़ ली हैं एक तो रोलिंग प्लान वाला पढ़ लिया है परस्पेक्टिव प्लान वाला पढ़ लिया है इंडिकेटिव भी पढ़ लिया है इंडिकेटिव का मतलब क्या है कि अब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों हैंड इन हैंड चलेंगे और आगे बढ़ेंगे पॉइंट समझ आया तो डैट मीन मिक्स इकोनॉमी का पार्ट आपका यहां पे बन जाता है तो मिक्स इकोनॉमी बनके हम देश को चलाएंगे और आगे बढ़ेंगे पॉइंट क्लियर तो यहां पे कोऑर्डिनेशन होगी आपकी प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की और ये प्रॉपर तरीके से ग्रोथ की तरफ लेके चलेंगे और इनका जो आपका प्लान का टारगेट था वो 5.6 था लेकिन अचीव इन्होंने कितना कर लिया 6.8 आपका अचीव यहां पे कर लेते हैं अब चलते हैं नाइन्थ फाइव ईयर प्लान की तरफ 97 से 2002 टू और इनका अगेन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या था ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी मतलब ग्रोथ भी करो डिस्ट्रीब्यूशन भी करो इक्वालिटी रखो और आगे बढ़ते चले जाओ क्लियर और इनका जो टारगेट था वो 5.6 परसेंट था अचीव कितना किया था इन्होंने जो है आपका सॉरी सेवन परसेंट इनका ग्रोथ टारगेट था और फाइव पॉइंट सिक्स इन्होंने अचीव किया था अब चलते हैं टेंथ फाइव ईयर प्लान की तरफ दसवां प्लान जो था वो 2002 से 2007 तक था और इसमें इन्होंने बोला था कि पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय को जो है हम डबल कर देंगे प्रति व्यक्ति आय को हम क्या कर देंगे डबल कर देंगे तो इनका ये ऑब्जेक्टिव देखने को आपको यहां पे मिला था पॉइंट क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इज इलेवेंथ फाइव ईयर प्लान जो कि दो हजार से लेके दो हजार तक चला था और इसका जो टारगेट था दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टारगेट जो था वो था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब हमने जो ग्रोथ करनी है वो तीव्रता से करनी है तेजी से करनी है फास्ट ग्रोथ करनी है लेकिन फास्ट ग्रोथ तो करेंगे तेजी से ग्रोथ करेंगे लेकिन साथ के साथ इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव समावेशी जिसे हम कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समावेशी हमने सपोज करो हम शहरों में हैं, हम शहरों में रहते हैं मैक्सिमम लोग ठीक है और मैक्सिमम लोग वैसे तो इंडिया में मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं बट अदरवाइज मैं बात कर रहा हूं मैं शहर में हूं तो मेरे पास जो भी रिसोर्स है चाहे वो बैंक को लेके है ठीक है चाहे सड़कों को लेके है चाहे ट्रांसपोर्ट को लेके है जो गवर्नमेंट हमें देती है ठीक है तो ये जो भी चीज है ये चीज जो मुझे मिली हुई है मतलब शहरों में मुझे मिली हुई है तो यही चीज हमने गांव तक भी पहुंचानी है तो डेट मीन्स जो ऐसे रिसोर्सेज जो शहरों तक हैं आपके और इसमें हमने सबको लेके साथ चलना है अगेन गरीब अमीर शहरी और गांव वाला कोई भी पर्सन है सब तक जो है ग्रोथ करवानी है सबको साथ लेके चलना है और ये इंक्लूसिव ग्रोथ का main, मतलब में मतलब इसमें बोला गया था यहां पे और ग्यारहवा फाइव ईयर प्लान जो है यहां पे सी रंगराजन ने जो है यहां पे आपका फ्रेम किया था सी रंगराजन ने क्लियर और टारगेट कितना रखा था 8.1 परसेंट और लेकिन अचीव कितना किया इन्होंने 7.9 और यहां पे अगेन इनका टारगेट ये था कि आईएमआर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टोटल फर्टिलिटी रेट इनको क्या किया जाएगा मतलब जो है आपका कम किया जाएगा और प्लस 70 मिलियन न्यू जॉब्स की बात करी गई थी यहां पे पे तो ये बात करी गई थी यहां पे. और फाइव ईयर प्लान जो आता है बारहवीं पंचवर्षीय योजना आती है 2012 से लेकर 2017 तक की बात यहां पे देखने को मिलती है और इसमें बोला क्या गया था फास्टर सस्टेनेबल और मोर इंक्लूसिव ग्रोथ दैट मीन ग्रोथ तो आप तेजी से करो करो लेकिन समावेशी ग्रोथ करो समावेशी का मतलब अगेन जो मैंने आपको बताया लेकिन ऐसी ग्रोथ करो कि जो आपके पास आज है वो आपकी फ्यूचर जनरेशन भी यूज कर सके तो डेट मीन्स फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ का जो टारगेट था वो किस किसमें आया आपका ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान में देखने को मिला और टारगेट ग्रोथ रेट कितना था एट जीडीपी क्लियर चार परसेंट एग्रीकल्चर का और दस परसेंट मैन्यक्चरिंग का आपका टारगेट था और दस परसेंट आपने गरीबी को खत्म करना था पचास मिलियन न्यू जॉब्स की बात करी गई थी और पचास टोटल फर्टीलेट टू पॉइंट वन ये सारी चीजें यहां पर बातें हुआ था आपका ट्वेल्थ फाइव ईयर प्लान सक्सेसफुल था पॉइंट क्लियर क्योंकि इन्होंने ग्रोथ जो है आपकी अचीव कर ली थी पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को आई थिंक अब आपको सारे प्लान्स क्लियर हैं

देखिए क्या कहता है इनमें से आपका कौन सा जो पेयर है वो आपका करेक्ट नहीं है इनमें से कौन सा पेयर जो है इनमें से कौन सा सही नहीं है फर्स्ट फाइव ईयर प्लान फर्स्ट फाइव ईयर प्लान जो है मॉडल के एन राय ने हमें बताया था 1951 टू 56 सेकेंड फाइव ईयर प्लान नेहरू मेलनोबिस मॉडल 56 टू 61 थर्ड फाइव ईयर प्लान 1961 से फोर्थ फाइव ईयर प्लान 66 सिक्स टू सेवेंटी अब ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है क्योंकि 66 से लेके 69 तक तो आपके क्या चले थे एनुअल प्लान प्लान चले थे और 60 जो है 69 से 74 चला था आपका फोर्थ फाइव ईयर तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका दैट इज फोर्थ फाइव ईयर प्लान इज द इन करेक्ट स्टेटमेंट क्लियर तो आंसर नंबर फोर इज द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इनमें से ऐसा कौन सा फाइव ईयर प्लान था जो सिर्फ चार साल तक चला था देखो किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर इनमें से ऐसा कौन सा फाइव ईयर प्लान था जो कि चार साल तक चला था अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और सरकार चेंज हुई और उसके बाद जो है मोरारी देसाई जी की सरकार आई थी जब उन्होंने रोलिंग प्लान बनाए थे और ये फाइव ईयर प्लान जो था दैट इज 1974 से 79 तक का प्लान था लेकिन चला कब तक था 74 से 78 तक यानी कि चार साल चला था अब इसमें आप आंसर बता सकते हैं ये कौन सा फाइव ईयर प्लान था यह था पांचवा पांच पांचवा फाइव ईयर प्लान जहां पे इन्होंने बात क्या करी थी गरीबी हटाओ की बात करी थी पॉइंट समझ आया गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था लेकिन गरीबी हटाओ थीम जो था

ये क्वेश्चन शायद आप गलत करेंगे कौन से फाइव ईयर प्लान के बाद जो है रूलिंग प्लान आया था यस yes, बिल्कुल सही काफी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं आपका टॉपिक फाइव ईयर प्लान का प्लानिंग कमीशन का कल हम डिस्कस करेंगे नीति आयोग के बारे में डिफरेंसिस बात करेंगे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग की बात करेंगे तो गाइज ये टॉपिक है आपका और इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं मेरा एक पेड कोर्स है दैट इज जनरल अवेयरनेस सिलेक्शन बैच क्लियर सिलेक्शन बैच इसीलिए क्योंकि हम इसमें रेगुरस प्रैक्टिस करेंगे थियोरी टॉपिक पढ़ेंगे एमसीक्यूज करेंगे जैसे आज हमने टॉपिक पढ़ा उसी तरीके से डिटेल में हम टॉपिक पढ़ेंगे और ये हमारे बैच जो है सात बजे स्टार्ट हो जाएगी क्लास इकतीस तारीख को ये क्लास जो है आपकी स्टार्ट होने वाली है ऑफ तक अगर आप लोगों ने स्टडी आईक्यू ऐप से या स्टडी वेबसाइट से कोई भी कोर्स करके रखा हुआ है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं तो आपके लिए एक स्पेशल डिस्काउंट है और अब वो डिस्काउंट कूपन आप लगा के अपना डिस्काउंट ले सकते हैं कोई भी कोर्स चाहे मेरा कोर्स चाहे अन्य कोई भी कोर्स क्लियर तो ये था आपका जो है स्टार्ट डेट थर्टी फर्स्ट ऑफ अगस्त को है ये याद रखना क्लियर और इस कोर्स के अंतर्गत पांच दिन हम क्लासेस लेंगे छठे दिन प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होगी सातवें दिन उसी चीज का आपका टेस्ट हुआ करेगा और इसी तरीके से हम वीकली टेस्ट भी लेंगे एक सब्जेक्ट के बाद भी एक टेस्ट लिया जाएगा जो आपका कंप्लीट हो जाया करेगा क्लियर और ये कोर्स आप कहां से ले सकते हैं अगेन स्टडी आई ऐप और हमारी वेबसाइट के ऊपर जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज यहां पर दिखेगा सर्च बार सर्च बार में डाल देना है आपको लाइव जैसे आपने लाइव डाला तो आपको इस तरीके से कोर्स नजर आ जाएगा दैट इज लाइव जनरल अवेयरनेस सिलेक्शन बैच का नाम से आपको कोर्स नजर आ जाएगा इसको आप परचेज कर सकते हैं अदरवाइज अगर फिर भी ना समझ आया तो जस्ट लॉन्च के बटन में व्यू ऑल करना तो आपको ये कोर्स नजर आ जाएगा क्लियर और अगर आप एमसीक्यू पढ़ना चाहते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था तो आप टेन थाउजेंड एमसीचेज कर सकते हैं ये बेस्ट सेलिंग कोर्स में भी आता है और प्लस यहाँ पे सर्च सर्च बार में भी आपको देखने को मिल जाएगा अगर यहाँ पे आप टेन थाउजेंड डालते हैं तब भी आपको ये नोट कोर्स नजर आ जाएगा और बाकी सारे अपडेट्स वगैरह जो होंगे तो यहाँ पे डॉक्टर विपिन गोयल का टेलीग्राम चैनल है वन लैख फोर्टी थाउजेंड प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप भी आखिर यहाँ पे जुड़ सकते हैं सारे लेक्चर्स पीडीएफ जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपको साथ में यहां पे शेयर करता हूं और जो इस कोर्स का जो लिंक है वो भी मैं अभी इसमें शेयर कर दूंगा तो आप देख लेना क्लियर जी समझ आया तो आप यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं कोई भी डाउट हो आपके दिमाग में पूछ सकते हैं हम और यहाँ पे आप ईमेल कर दें अगर आपका कोई क्वेश्चन है और कोई एग्जाम है आपने मुझसे शेयर करना है तो आप मुझे यहाँ पे दे सकते हैं क्लियर सो थैंक यू सो मच गाइज ऑल द वेरी बेस्ट अच्छे से पढ़े अच्छे से तैयारी करें और इस बैच को ध्यान से थोड़ा सा ध्यान से इसीलिए क्योंकि ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है क्लियर और मैं इससे पहले मैंने लाइव बैच कभी नहीं पढ़ाया एंड दिस इज माई फर्स्ट लाइव बैच एंड हम तभी मैंने इस बैच का नाम सिलेक्शन बैच रखा है क्योंकि इसमें बहुत सिलेक्शन हम दिलाने वाले हैं देखिए मैं आपको मैंटोर करूंगा मैं आपको गाइड करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज पढ़नी है कौन सी चीज नहीं पढ़नी आज जैसे हमने पढ़ा था प्रॉपर तरीके से ठीक है ठीक है कि मतलब ये कौन कौन से पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं तो ऐसे पूरी जीएस मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को जनरल अवेयरनेस के पूरे टॉपिक्स मैं पढ़ाऊंगा आपको कौन सी चीज फोकस करनी है कौन सी चीज ध्यान छोड़ दो ये नहीं पढ़ना ठीक है तो आपने उस तरीके से आपको पढ़ना है मैं गाइड करूंगा पढ़ना आपने है, लेकिन मैं पढ़ाने के लिए तैयार मैं मेहनत पूरी करने वाला हूं आप तैयार हो इस चीज के लिए ये खुद को सोचें तब जाके इस कोर्स को परचेज करें एंड सिलेक्शन बैच मतलब सिलेक्शन बैच आपके सामने है आज बोल रहा हूं इकतीस तारीख तक भी बोलूंगा और आपको सिलेक्शन लाके दिखाऊंगा और आप लोग कहेंगे कि सर यू आर राइट क्लियर और जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमने क्या क्या पढ़ा है और हम क्या क्या पढ़ेंगे समझ आया और हमारा मेरा खास करके ऑफलाइन का एक्सपीरियंस ऑनलाइन का एक्सपीरियंस इस बैच में आएगा क्योंकि क्योंकि लाइव है इसमें मैं इंट्रेक्शन कर सकता हूं आप लोगों के साथ क्योंकि YouTube पे हम इंट्रैक्शन नहीं कर सकते लाइव बैच में इंटरेक्शन कर सकते हैं और मैं प्रॉपर तरीके से जितनी भी मेरी ऑफलाइन एक्सपीरियंसिस हैं जो मैंने पढ़ाए हैं मैंने चार साल ऑफलाइन पढ़ाया है और चार साल मैंने ऑनलाइन मतलब आठ साल का एक्सपीरियंस है बट इसमें जो मेरा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस है वो सबसे ज्यादा मेरे को हेल्प करने वाला है और बहुत मजा आएगा क्योंकि मुझे एक क्लासरूम की तरह फील आएगी उसमें जिसमें मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आप पूछ सकते हो कम्युनिकेशन होगा बहुत सारी चीजें और भी ठीक है मजा आएगा पढ़ने में सो थैंक यू सो मच गाइस ऑल द वेरी बेस्ट क्लियर हो गया आप लोगों को सो गाइस थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट जय हिंद